बिहार चुनाव को हर पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। अररिया पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोगों से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि एक भूल के कारण देश का बंटवारा हो गया, इसके बावजूद भी ये देश की एकता और अखंडता कभी नहीं टूटी। इस देश की रक्षा में, इस देश की आजादी की लड़ाई में सबका सर्वस्व में छा हुआ है। भारत की एक भूल ने देश का बंटवारा कर दिया, जो भूल बड़ी भूल, लेकिन उस भूल के बावजूद भी इस देश की एकता ने देश को लगातार बड़ी ताकत देती रही है और आज यह देश विश्वगुरु बनने वाला है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पूरे होंगे, सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है कि कोई इस देश में न भूखा होगा, न नंगा होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा। हम 130 करोड़ देशवासियों के साथ हम इस भारत को दुनिया का सर्वशक्तिमान, समृद्धशाली और स्वाभिमानी भारत बनाएंगे। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।